नमस्कार मु लोपा मुद्रा आपमनकु स्वागत करूछि आम कार्यक्रम स्वास्थ्य सूत्रको। आजिकालिर व्यस्त बहुलता जीवन जोगु लाइफस्टाइल जोगु विभिन्न प्रकार रोग होउछि। ए मध्यरु वर्टिगो एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। ए वर्टिगो डिफरेंट एज ग्रुप रे मध्य देखा देथाय। ए वर्टिगो जोगु हेड स्पिनिंग थारु आरंभ करी वोमिटिंग जाय विभिन्न लक्षण देखा जायथाय। ए वर्टिगो कोण आरो कौन सब रही चिकित्सा पद्धति एवं ए वर्टिगोरु निजको केमिति आपण रक्षा करि परिबे ए सब जानिबा आज एपिसोड रे। ए वर्टिगोरो विभिन्न लक्षण थाय। मुंड बिंधा ठारु आरंभ करि बांति लागिबा जाय विभिन्न प्रकार रहिछि ए रोगर लक्षण। ए रोगटी कौन किभली रहिछि आरो चिकित्सा एवं डॉक्टर को कंसल्ट करिबा केते जरूरी ए सब जानिबा आम सहित अछन्दि आम एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लुलुप कुमार साहू तांकोटु जानिबा एही रोग विषय रे। तो वर्टिगो आम जहाँ को नॉर्मली मुंड बुला रोग आम कॉमन मैन लैंग्वेज रे कहिता मुंड बुला बा रिलिंग हेड तार विभिन्न प्रकार अलग नाम भी अच्छी किए ताक डिजिनेस कहती किए ताक गिडीनेस कहती किए मुंड बुलाऊ के हूँ किए के कहते स्पिनिंग सेनसेसन हो। तो ये वर्टिगो गोटे एक्चुअली रोग नुहे यहाँ गोटे हूँ लक्षण यहाँ गोटे रोगर लक्षण तार कारण विभिन्न प्रकार हो पाए। तो यही वर्टिगोर लक्षण है आइदर ये दुई प्रकार लक्षण हिसाब से देखाई थाए आइदर लोक निजे भाव निज मुंडा बुलू निज देहटा बुलू ना लोकटे निज स्टेबल थी निज सराउंडिंगटा बुलू। तो ये दुई प्रकार हिसाब से आम वर्टिगो सिम्टमटा देखाई थाए मुंड बुला सिम्टमटा देखाई थाए। तो यहाँ जमी कह यहाँ गोटे लक्षण यार कारण बहुत प्रकार हो पाए। तो यार कारण जमती अच्छी बहुत प्रकार कारण। तो या वर्टिगो को दुई प्रकार डिवाइड कराई गोटे पेरिफेरल वर्टिगो और आ गए हूँ सेंट्रल वर्टिगो। तो पेरिफेरल वर्टिगो माने आमर वेस्टिबुलर अपरेटस आम अच्छी आम जोटा कि आम कान पाखे अच्छी कि वेस्टिबुलर नर्व गोटे अच्छी कि आम इनर इयर पर्टिकुलरली आम यही मुंड बुला कारण मैक्सिमम टाइम होता है किसी इनर इयर भितर किसी प्रोब्लेम है मुंड बुला हिसाब से देखाई थाए। तो ये पेरिफेरल वर्टिगोर कजेस भितर आम अच्छी पोजिशनाल वर्टिगो जोटा कहूँ जोटा कि बीपी भी कहुए। तो ये पोजिशनाल वर्टिगो में आम लक्षण यूजुअल हुए आमर किसी गोटे पोजिशन ही आम मुंड बुला हाँ जमी लोक सोई डाण पट को मुंड बुलेला मैंने मुंड बुला स्टार्ट हे आ बाँ पट गला टी आराम लगे। तो से आम पोजिशनाल वर्टिगा कहू। तो यहाँ यूजुअली आम इनर इयर भितर गोटे क्रिस्टाल जिनस गोटे थाए जोटा ऑटोलिथ आम कहूँ से क्रिस्टालटा किसी डिस्प्लेसमेंट हो गले आमर यही पोजिशनाल वर्टिगो डेवलप करें। आउ गोटे रोग हूँ मेनियर डिजिज। तो ये मेनियर डिजिज गोटे प्रकार डिजेनेटिव डिजिज जो थे आम इनर इयर डिफेक्ट स्टार्ट हुए। तो एमर मुंड बुला सहित कान को नसुविधा भी देखाई थाए कान भम आवाज भी यूजुअली होता है। अलग गोटे हूँ वेस्टिबुलर नर्व किसी प्रोब्लेम होने मुंड बुला होता है। तो सेटा आम वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहता किसी वायरल इनफेक्शन पर एमती मुंड बुला यूजुअली डेवलप करें वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस माध्यम से कहता। तो यही तो कहला पेरिफेरल कॉज किंतु आम मुंड बुला जदि किसी रोग रोगी जदि मुंड बुला असुविधा नहीं कि आमको ओपीडी रे पहुंचन ताले आमे ताकु देखु वेदर इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कि नहीं। तो लाइफ थ्रेटनिंग माने आमर सेंट्रल कॉज जो अच्छी ब्रेन भितर कारण जो जो मुंड बुला हुए सेटा होचो आमर लाइफ थ्रेटनिंग। पेरिफेरल कॉज रो भटाई गुडा करे एते लाइफ थ्रेटनिंग नथाय। तो आमो किंतु ओपीडी सेटा को आमे डिस्टिंग्विश करा पडियो वेदर इट इज पेरिफेरल सेंट्रल और इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये सब देखा बेले आम किसी लक्षण पचारू मुंड बुला सहित किसी लक्षण जमती मुंड बुला सहित कान को कम शुभुच कि मुंड बुला सहित बांति हो कि मुंड बुला सहित टलमल मदुआ भाया टलमल होमती किसी लक्षण हो जदि सामान्य जेकोस मुंड बुला टलमल हुए किंतु जदि मुंड बुला बहुत परिमाण में टलमल अधिका हूँ चली पारे पूरा मदुआ भाया पाद एपट सेपट पड़ तेल आम सेंट्रल कॉज यूजुअली भाई था मैंने ब्रेन भितर किसी असुविधा अच्छी आम भाभी था कान कम शुभिले आम सेंट्रल कॉज मानक थाए कि अच्छी ब्रेन ट्यूमर जोटा थाए सीपी एंगल ट्यूमर थाए जो थे कि मुंड बुला भी हम कान को भी कम शुभ रोगी मदुआ भाया टलमल भी हम। तो यही सेंट्रल कॉज मानक ब्रेन स्ट्रोक भी सामिल अच्छी जो ब्रेन स्ट्रोक में सडन मुंड बुलेब सडन बांति हे लोक टलमल हो। तो ये सब लक्षण आमर देखाई थे आमर ब्रेन स्ट्रोक केस्रे
ब्रेन ट्यूमर मध्ये करि पारे आमर मुंडो बुला करि पारे जेमती कहिले किछि अलग रोग जेमती किछि यदि आमर डिमाइलेशन डिजीज अछि मल्टीपल स्क्लेरोसिस अछि ए रोग मध्ये आमर मुंडो बुला यूजुअली लक्षण डेवलप करिथाय तो ए सब कारण जानबे गेले प्रथम देखु पेरिफेरल कि सेंट्रल जदि पेरिफेरल अच्छे आम अलग किसी टेस्ट यूजुअल दरकार न थाए आम कि मात्र मेडिसिन दौ आउ कि मुंड बुलार किसी फिजिओथेरापी शिखेक आम ट्रिटमेंट करथाउ किंतु यदि सेंट्रल कॉज बा ब्रेन रो किसी कारण अच्छी आम डाउट करू तेल आमको ब्रेन रो स्कैनिंग सीटी स्कैन है कि एमआरआई है करवा पड़ता है जहाँकि आम ब्रेन स्ट्रोक को आम रूल आउट करने करें तो यही सब रोग में बेले बेले बहुत सीभीयर हुए लोक मैंने मुंड बुला एत सीभीयर मुंड मुंड भी टेकी पारे तो यही सब विषय आम कि मेडिकेसन अच्छी जहाँ आम दे मुंड बुला मात्रा कि कमी थाए तो ये सब कारण बाद भी किसी कारण थाए जोटा कि आम कहूँ फंक्शनल डिजनेस बस साइकोजेनिक डिजनेस किसी जो मैंने बेस टेनसन हमें पर्टिकुला वयस्क लोक मान बुढ़ा लोक मानक फंक्शनल डिजनेस देखा पाई जो मैंने बेसी टेंशन रुहत बेसी स्ट्रेस रुहत बेसी एंगजाइटी थार फंक्शनल डिजनेस देखाई थाए आ फंक्शनल डिजनेस वर्ष वर्ष धरी रहे से पांच दस दिन भल हुए से वर्ष वर्ष धरी लोग यूजुअली मुंड बुला लक्षण डेवलप कर तो से सब केस रोग को टी शांत देवा पड़े बुझाक पड़ो एंगजाइटी और डिप्रेशन किसी अदी एसोसिएटेड अच्छी आम ट्रीटमेंट कराया पड़ो आ मुख्य ट्रीटमेंट है वेस्टुलर एक्सरसाइज जेकोसी मुंड बुला भी आमको वेस्टुलर एक्सरसाइज किसी थाए से गुड़ाक प्रथम दिन एक दिन ही आमको स्टार्ट करा पड़े ताद्वारा आम मुंड बुला मैक्सीम इम्प्रुवमेंट होता है भटिको मुंड बुला स्पिनिंग जो आम कहते यूजुअली एमती सब एज ग्रुप भटिको डेवलप कर पारे तो कितने आम यूजुअली बेस देखो यंग आडल्ट केस एल्डरली एज ग्रुप केस भटिको मैक्सीम केस देखी था यंग एज पेसेंट मैं किसी वेस्टुला न्यूरोनाइटिस किसी आम इनर इयर किसी इनफेक्शन है मैक्सीम कारण थाए आउ ओल्ड एज मानक आम यूजुअली देखी था ये जो मेनियर डिजीज कहले सेटा भी आम देखा पाई था फंक्शनल डिजनेस बहुत आसोसीएटेड थाए ओल्ड एज मानक तो यही सब स्पेसिफिक कारण आम एज ग्रुप हिसाब से देखा जाए छोट छुआ क्षेत्र में बेस एत भटिको केस आम देखा पाई ना कि मैक्सीम छोट छुआ क्षेत्र जो भटिको जदि पाओ यूजुअली आमको ब्रेन स्ट्रोक है कि ब्रेन ट्यूमर किसी अच्छे युवाक आमको रूल आउट करा पड़ता आउ लक्षण जमी कर लक्षण भी सही मुंड बुला पूरा मुंड बुलेब ढाई पार टलम लगे कान भी जब बजिंग सेनसेसन झी झी आवाज हम कान पाखे बांति बांति लगे बांति हम भी बेले बेले तो यही सब कारण भटिको सहित आसोसीएटेड थाए